यार सवाल जवाब करने में तो तुम टीवी रिपोर्टर से भी आगे हो। उसी दिन में ये जो हमारा होने वाला घर है ना, ये डिबेट हाउस बन जाएगा। और अगर ऐसे ही सवाल जवाब चलते रहे ना, तो मेरी तो सरकार ही गिर जाएगी। अच्छा, तो तुम अपने आप को इस घर का पीएम समझते हो? दो पोस्ट तो मैंने तुम्हारे लिए खाली छोड़ दिया। ये घर, ये दीवारें, ये हवाएं, ये फिजाएं, ये खाना, ये पीना, ये हंसी, ये मजाक, ये आना, ये जाना, सब तुम्हारे लिए। ये तेरा घर, ये मेरा घर, बस एक नेम प्लेट लगाना बाकी है, और वो मैं इसलिए नहीं लगा पाया क्योंकि दो अक्षर कम पड़ गए थे। अच्छा, ये घर, ये मंजर, ये आना, ये जाना, ये खाना, ये पीना, ये सब तो चलता रहेगा ना, लेकिन अभी हमें तुमसे ना जरूरी बात करनी है। तो मैं क्या गैर जरूरी बात कर रहा हूँ? और जरूरी बात करने के लिए तुम्हें इन्विटेशन दूँ क्या? अरे मुझे बहुत पसंद है, करो चकल्लस। क्या ये चकल्लस क्या होता है? वही बात है जिनका ना कोई सर हो ना कोई पैर। अच्छा, तुम्हें बड़ा पता है बातों के बारे में। सोहबत का असर है। अच्छा, ये सोहबत को थोड़ा और डिटेलिंग कर। आओ बैठो और हमें ये बताओ कि क्या अर्थ है? ऐसा कौन सा पहाड़ है जिसे तुम अपनी होने वाली बीवी के लिए चढ़ नहीं सकते? लेकिन मिस्टर, हमें ये बताओ कि तुम अपनी छोटी ड्यूटी कब निभाओगे? पहले तो हमेशा शादी के लिए इतने उतावले रहते थे, बोलते थे कि भाग कर शादी कर लेते हैं, लेकिन अब तो तुम शादी से ही भागते नजर आ रहे हो। नहीं नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। वही तो हम कह रहे हैं ना शिव, पहले तुम हमेशा कहते थे कि शादी करनी है, भाग के कोर्ट में, चर्च में, मंदिर में, हर जगह सिर्फ शादी की स्लोगन चिपकाते थे, और अब जब घोड़ी चढ़ने की बारी आई है तो कहते हो कि कहीं गिर ना जाए, चोट लग जाएगी, और घोड़ी पर चढ़ने के लिए डर गए। तुम्हें कैसे पता मुझे घोड़ों से डर लगता है? शिव, हंसी नहीं आई। जोक नहीं था ना इसलिए। तो अब तुम जोक मारोगे? तुम शायद भूल रहे हो, ये मिस गौरी श्रीवास्तव है, और इससे पीछा छुड़ाना ना इतना आसान नहीं है। ये गौरी का मजबूत जोड़ है, टूटेगा नहीं, और पूरे मिर्जापुर में ना सबसे बड़े शिकारी थे हम। तो तुमको ऐसा लगता है कि तुम एकमात्र शिकारी शंभू हो जिसे मैं जानता हूँ? मैं एक और शिकारी को जानता हूँ, और वो हर रोज एक ही शेर का शिकार करती, और वो पता है शिकारी कौन है? तुम्हारी कमला भाभी, और वो शेर मैं हूँ। शेर, फालतू का टाइम पास बंद करो और मुद्दे पर आओ। बेबी, किसी अच्छी सी सुंदर रोमांटिक सस्ती टिकाऊ जगह पर जाएंगे। सस्ती नहीं, महंगी। रोमांटिक, और तुम अपने आप को रोमांटिक कहते हो? अरे तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे रोना और एंटिक दोनों को मिलाकर तुम्हें बनाया गया हो रोमांटिक। अरे बेटा, रोमांटिक तो हम थे, हम हैं और तब भी थे जब हमारी शादी हुई थी, तो तुलिका की मम्मी को लेकर निकल गए थे सब काम धाम छोड़कर वर्ल्ड टूर पर पूरे एक महीने के लिए। फालतू में पैसे बर्बाद किए होंगे, जहाँ भी गए होंगे ना लोगों को पकाए होंगे। अरे बेटा, पैसे बर्बाद करके नहीं, प्यार करके आया था। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ कि खुद भी चाय की तरह ऐसी फालतू में उबलता रहूं। वैसे तुम्हारे लिए तो ना शब्द खर्च करना ही बेकार है, तुम तो कॉफी की झाग की तरह एक ही जगह अड़े रहो और इसी तरह सबको चाय कॉफी पिलाते रहो, यही काफी है तुम्हारे लिए। कल कहा तो कह रहे थे काम पे ध्यान दो, आज कैफे पे ताला लटकवाने की बात कर रहे। तुम फिर शुरू हो गए। अरे जो कल कहा था वो कल कहा था, और जो आज कह रहा हूँ वो आज कह रहा हूँ। अरे बेटा, ताला मत लटकवाओ, लटकवाओ ही मत। अरे बेटा, मेरे कहने से गधे के सर पर भैंस के सिंग फिट नहीं हो जाएंगे, क्यों तुलिका बेटा? कोई एंटीना वेंटीना लगाए क्या? कोई माइक वाइक तो फिट नहीं है, इनको मेरे मन की बात कैसे सुनाई देती? मतलब तुम मेरे डैड के बारे में सचमुच कुछ उल्टा पुल्टा बोल रहे थे? नहीं बेबी, मैं तो ये सोच रहा था कि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि अपना प्यार साबित करने के लिए तुम्हें कौन सी जगह पे लेके जाऊं, कोई अच्छी सी जगह। पहली बार कुछ सही बोला है। अच्छा बताओ, तो हनीमून के लिए कहां चलेंगे हम लोग? हम मतलब पापा, हनीमून आपका नहीं, हम दोनों का है। अरे बेटा, दहेज में आया हूं तो जहां तुम जाओगे वहां मैं भी चलूंगा ना। अच्छा पापा। अच्छा तो कहो तो, टिकट करा दो हनीमून के। कर दीजिए पापा। जितने की फ्री की कॉफी पी चुके हैं ना, उतने में तो हनीमून की टिकट हो जाती है। अच्छा तो बेटा, मेरे कॉफी के पैसे अपने टिकट से वसूल करोगे? हाँ चलो, तीनों का टिकट करा देता हूँ, लंदन ठीक रहेगा? हाँ पापा, दो होते तो लंदन ठीक होता, पर आप चल रहे तो लोनावला ही ठीक रहेगा। लोनावला? तुम्हें पता है
आया की बेटी की शादी हुई थी ना, तो मेरे डैड ने उसको भी हनीमून के लिए कश्मीर भेजा था। कितने चीप सजेशन दे रहे हो तुम। बेबी इतना भी चीप नहीं है, पर तुम हाँ मुंबई से चीप कह सकती हो। ये कहाँ लंदन में फंसा दिया इस बुढ़ाव ने। संत बेटा इतना भी बुढ़ा नहीं हूँ। फिर सुन लिया, ये क्या हो क्या रहा है यार? क्या सुन लिया, क्या इतनी देर से तुम बड़बड़ाए जा रहे हो? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ हनीमून पे, मैं अकेली चली जाऊंगी। डैड आप मेरे ना फ्रांस की टिकट बुक करा दीजिए। हाँ बेटा गुड आइडिया। पापा मेरी भी करा दो आप। सुलेखा जहाँ जहाँ जाएगी संत का साया साथ साथ रहेगा। अरे बेटा फ्रांस जाने के लिए पासपोर्ट लगता है, राशन कार्ड से एंट्री नहीं मिलती वहाँ। संत तुम डैड की बात तुम्हें क्या पड़ेगा, मैं रूठी भी हूँ, मुझे मनाओ। रूठना भी कितना बोरिंग काम होता है, चलो मुझे मनाओ जल्दी से। ओके बेबी सॉरी, हम एक काम करते हैं, हम लोनावला कैंसिल करते हैं, अलीबाग चलते हैं। वो गेट ऑफ इंडिया से बोट निकलती है, 45 मिनट लगेंगे और बस ₹1000 के अंदर हो जाएगा पापा। अलीबाग? छी, अलीबाग तो मैं कभी नहीं जाऊंगा। अब तुम ₹1000 की बात कर रहे हो, इतने चीप हनीमून में तो मेरी बेटी क्या, मैं भी नहीं जाऊंगा। क्यों तिलका बेटा? हाँ डैड मैं नहीं जाऊंगी। पापा वो सब छोड़िए, पर आपने हम क्या लगा के रखा? अरे देखे हुए जगह पर दोबारा क्या जाना, दिल्ली से मुंबई मैं हनीमून पर अलीबाग ही आया था। पापा अलीबाग मैं और तिलका जा रहे हैं। बेबी देखो ना डैड यहाँ बोर हो जाएंगे, तो उनको भी हम साथ लेके चलेंगे ना। और तुम लोग दोनों वहाँ हनीमून मनाना और मैं वहाँ घूमूंगा फिरूंगा। अरे तुम लोगों के अलावा इस दुनिया में मेरा है ही कौन बेटा। ए गौरी तुम्हें तो मजाक समझ में ही नहीं आता, तुम्हें तो कोई एनर्जी ड्रिंक लेनी चाहिए। अरे ऐसे क्या देख रही हो, आंखें निकल के गिर जाएगी हथेली पर। अरे चोटी क्यों काट रही हो यार, अब मैंने क्या किया? सिर्फ तुम मुद्दे की बात करोगे जिसे करने के लिए हम यहाँ आए। बताओ ना अरे चाचा चाची क्यों नहीं आ सकते, क्या बात है? बात बहुत भयंकर बात है, तुम मेरी चाची को नहीं जानती। वो अच्छे अच्छों की बैंड बजा देती है। अरे आखिर शिव पांडे की चाची है, इतनी फैशनेबल है कि उनके सामने करीना कपूर फेल। और कड़क, इतनी कड़क है कि एक बार जोर से घुर्रा देना तो शेर भी उनके सामने सुसु कर देता है। और ऐसी फर्राटेदार इलाहाबादी मिक्स अंग्रेजी बोलती है ना कि डिक्शनरी कंफ्यूज हो जाता है कि ये शब्द लाऊं कहां से और लोगों को समझाऊं कहां से। और सुनो ठीक तो ना गुस्सा, अगर उनको एक बार गुस्सा आ गया ना तो वो काली माँ का रूप धारण कर देती है। ऐसा है क्या? अरे और नहीं तो क्या, उनके सामने तो अच्छे अच्छे पानी भरते हैं और वो अगर तुम्हें देख लेगी ना तो वो तो अपना रास्ता ही बदल देगी। इतने सवाल करेंगे तुमसे कि तुम तो अपने दांतों तले उंगलियां चबाती रह जाओगी। उंगलियां? अच्छा नहीं बहुत बुरा है, एकदम जीसी टाइप की है मेरी चाची। जीसी मतलब? मतलब वो जो जनरल एंटरटेनमेंट चैनल्स की सास होती है ना जैसी, अरे अम्मा सा टाइप्स, वैसी है मेरी चाची। वो अपने बहू से इतना काम करवाएंगी कि मत पूछो कितना काम करवाएंगी। और उसके बाद फिल्मों की तरह चक्की पिसे पिसे पिसे। बेबी चाहे लंदन हो या खंडाला, एक एक रूम ही तो चाहिए। हम तुम एक कमरे में बंद और चाबी खोज, यही तो होता है हनीमून। नहीं संत, हनीमून का मतलब ये नहीं होता। हनीमून का तो मतलब ये होता है खूब सारी शॉपिंग, कैंडल लाइट डिनर, घूमना फिरना, खूब सारे पिक्चर्स क्लिक करना और फिर तुम मुझे रोज एक गिफ्ट दोगे और फिर सारे पिक्चर्स है ना मैं जाके अपने फ्रेंड्स को दिखाऊंगी एंड दे विल बी जेलस, है ना डैड? पापा आप समझाइए ना, तुलिका बहुत सारा खर्चा होगा। देखो ये हमारी हमारी बेटी का हनीमून है, इसलिए इसमें वही होगा जो हमारी बेटी चाहेगी। तुम ये अपनी कंजूसी कहीं और के लिए बचा के रखो, समझे? Yes, Dad. अच्छा, संत मुझे जल्दी से बताओ कि मैं हनीमून पे कौन सी ड्रेस पहनूंगी और हम लोग कैंडल लाइट डिनर के लिए कहाँ जाएंगे, क्या मेन्यू होगा और शॉपिंग कहाँ कहाँ करेंगे? हा? वो भी इन्हीं से पूछिए, बाबा आदम बहुत एक्सपीरियंस है ना।